नमस्कार बच्चों, मैं हूं रोशन। बच्चों, आज के लेसन के हमारे ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं स्पीड और टाइप्स ऑफ स्पीड, दोनों को पढ़ेंगे एक एक करके। बच्चों, अगर हम स्पीड की बात करें तो इस कंसेप्ट पे हम जाएंगे, लेकिन एक डिस्कशन लेके। और डिस्कशन क्या है, हम क्लास में पहली बार मिल रहे हैं बच्चों के साथ सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन जब हम करते हैं बच्चों के साथ, तो क्या पूछेंगे सबसे पहले, ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि आप कहाँ से आते हो। सबसे पहले मैं रिया से बातचीत करूँगा, रिया से पूछूँगा कि रिया आप कहाँ से आते हो। वो बोलती है कि सर मैं चौकी से आती हूँ, उसके गांव का नाम चौकी है। ठीक है जी, आते हैं। तो मैं उससे पूछूँगा कि चौकी स्कूल से कितनी दूर है। तो अगर उसे मालूम होगा तो वो बता देगी सर ये 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है जी, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 3000 मीटर। फिर मैं उसे पूछता हूँ ये पता करने के लिए कि ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में, घर से स्कूल आने में कितना टाइम लेती है। ठीक है, वो बोलती है कि 30 मिनट लेती हूँ सर मैं घर से स्कूल आने में। ठीक है, ये मुझे पता चल गया कि इसके 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को इसको जहाँ तो गाड़ी से आती होगी जहाँ फिर पैदल आती होगी। अगर 3 किलोमीटर 30 मिनट में आती है तो इसका मतलब पैदल आती है, ये मुझे पता चल गया। ठीक है, अब मैं सौरभ से बात करता हूँ। सौरभ से बात करने से मुझे पता चला कि सौरभ भी चौकी से आता है, वो भी रिया के घर के अपोजिट उसका घर है, उसका भी जो डिस्टेंस है स्कूल से घर तक का वो 3000 मीटर है। और जब मैं उससे पूछता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अब वो भी उतना ही टाइम लेता हो जितना रिया लेती है, तो मैं उसे पूछता हूँ सौरभ आप कितना टाइम लेते हो स्कूल आने में घर से, तो वो बोलता है 40 मिनट लेता हूँ। यहाँ पे मुझे पता चल गया कि सौरभ थोड़ा धीरे धीरे आता है ना। और मैं बच्चों को भी पूछूंगा, बच्चों बताइए दोनों 3000 मीटर दूर से आते हैं स्कूल और रिया 30 मिनट लेती है घर से स्कूल आने में और सौरभ 40 मिनट लेता है घर से स्कूल आने में, तो बताइए कौन फास्ट आए। तो बच्चे झट से बता देंगे सर रिया फास्ट चलती है जब वो स्कूल आती है, 40 मिनट में 3000 मीटर। सामने दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्टेंस जो है दोनों का एक जैसा है, लेकिन टाइम दोनों का अलग अलग है। तो सेम डिस्टेंस और इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए अलग अलग टाइम, कम ज़्यादा टाइम अगर वो ले रहे हैं, तो ये अभी उसी बात है कि जो कम टाइम लेगा वो फास्ट चलता है। ठीक है जी, तो बच्चों को भी ये चीज़ पता चल जाएगी एक मिनट में इस केस में। लेकिन अब अगला देखते हैं, दिया से बातचीत होती है, इंट्रोडक्शन होती है। मैं पूछता हूँ कहाँ से आते हो, बल्सरो, मुझे नहीं मालूम कितनी दूर है। पूछता हूँ कि कितनी दूर है जी बल्सरो यहाँ से, तो दिया मुझे बोलती है सर कोई 4.8 किलोमीटर दूर है मेरा घर स्कूल से। तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके मैं बता देता हूँ, अगर उनको नहीं आता, 4800 मीटर दूर है दिया का घर स्कूल से। और मैं उसे भी पूछता हूँ कि आप कितना टाइम लेते हो स्कूल घर से स्कूल आने में, तो वो बोलती है सर मैं 40 मिनट लेती हूँ। अब देखना, ठीक है जी, अब हम देखेंगे क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, ये करेंगे, जे 40 मिनट में सौरभ 3000 मीटर चलता है और दिया 40 मिनट में 4800 मीटर चलती है। तो मैं बच्चों को अगर पूछूंगा कि कौन फास्ट चलता है, तो इस बार भी बच्चे जट से बता देंगे कि कौन फास्ट चलता है। जे 40 मिनट में 3000 मीटर चल रहा है, जे 40 मिनट में 4800 मीटर चल रही है, तो बच्चे जट से बता देंगे कि टाइम बराबर ले रहे हैं जी, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो ये फास्ट चल रही है। दोनों बार रिया और दिया ये जीत गए सौरभ से, और बच्चों ने बता भी एकदम जट से दिया है ना। अब मैंने क्या किया, अब मैंने उनको दे दिया रिया और दिया में से बताओ कौन फास्ट चलता है।
इंट्रोडक्शन भी हो रही है और साथ में हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि माइंड किस तरह से उनका काम करता है। रिया 30 मिनट में 3000 मीटर चली, दिया 40 मिनट में 4800 मीटर। अब मुझे बताओ, मैं बच्चों को पूछता हूँ कि रिया तेज चली या दिया, तो इस बार बच्चे उतनी कॉन्फिडेंस के साथ शायद ही बता पाए कि कौन फास्ट चला। जिनका मैथ सच्चा है वो शायद बता दें, अदरवाइज थोड़ा जो है कॉन्फिडेंस उनका कम होगा और वो बता नहीं पाएंगे कि कौन फास्ट चला। ठीक है, इस केस में हमें ये बताने के लिए कि दिया फास्ट चली या रिया फास्ट चली, थोड़ा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स भी करेंगे, लेकिन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चौथा बच्चा जो रोहन से मेरी बातचीत हुई, रोहन मुझे बताता है कि मैं कनाल से आता हूँ, 6000 मीटर दूर मेरा घर है और मुझे 50 मिनट लगते हैं घर से स्कूल आने में। तो इस केस में शायद बच्चे बता देते कि ये फास्ट चली या जे फास्ट चली, रिया फास्ट चली या दिया। ठीक है, बिना मैथमेटिक्स किए हुए। लेकिन इस केस में ये और ये केस अगर मैं लेता हूँ तो शायद ही बच्चे बता पाए कि कौन फास्ट चला या कौन स्लो चला। बता सकते हो, बता भी सकते हैं कुछ बच्चे, कुछ नहीं बता सकते। जो नहीं बता सकते उनके लिए हम थोड़ा सा आसान कर देंगे कि ऐसे केसेस में हमें कैसे बताना है कि कौन फास्ट या कौन स्लो चला। अब देखो, ये अगर ये दो दो हम ले रहे हैं, अगर मैं चारों एक साथ ले लूँ तो फिर मुझे बताओ कि कौन सबसे फास्ट चला, तो तब भी मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए ये बताना कि कौन फास्ट चला। लेकिन हम एक एक करके जब थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे, इसको आसान करने की कोशिश करेंगे, तब हर बच्चा बता देगा कि कौन फास्ट और कौन स्लो चला। चारों केसेस को ले लेते हैं। रिया 30 मिनट में जो चली 3000 मीटर, ठीक है जी, तो एक मिनट में निकालना होगा। कैसे निकलेगा, एक मिनट इंटू 30 मिनट, 30 मिनट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक मिनट इंटू 30 लिख सकते हैं ना, तो उधर 3000 ही चली, ये रहने दो उतना। तो एक मिनट में निकालना है, तो एक मिनट में ये निकल जाएगा 3000 मीटर डिवाइडेड बाय 30, 100 मीटर। एक मिनट में चली 100 मीटर रिया, एक मिनट में चली 100 मीटर। हर केस में हम एक मिनट में ही निकालेंगे। ठीक है, अब हम ले लेते हैं सौरभ को। ठीक है, सौरभ 40 मिनट में चला, तो 30 की जगह 40 लिख लो। 40 मिनट में जो चला 3000 मीटर है ना, तो एक मिनट में कैसे निकलेगा, एक मिनट इंटू 40 मिनट, तो 3000 ही जो चला। ठीक है, एक मिनट में कैसे निकलेगा, 3000 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, 40 इधर आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 75 मीटर। तो सौरभ चला एक मिनट में 75 मीटर। ठीक है, अब हम इसी तरह से दिया का निकालेंगे। दिया का कैसे निकलेगा, 40 मिनट में दिया चली कितना, 4800 मीटर। तो 40 मिनट को मैं लिख सकता हूँ, एक मिनट इंटू 40, और इधर आएगा 4800, इधर आएगा, एक मिनट में निकालना है, तो 4800 अपनी जगह रहेगा और ये 40 नीचे चला जाएगा, जे जीरो कैंसिल। आप 480 को 4 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1401 और 20 मीटर। जे चला जी, दिया एक मिनट में 120 मीटर। ठीक है, इसी तरह से आप रोहन का निकाल लो। रोहन 50 मिनट में 6000 मीटर चला, एक मिनट में कैसे निकलेगा, 6000 डिवाइडेड बाय 50 मीटर। ठीक है, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, 120 मीटर।
रोहन जो है वो एक मिनट में 120 मीटर चला। अब मैं बच्चों को चारों का पूछता हूं। इस केस में देखिए, रिया फास्ट चली, दिया फास्ट चली, सौरभ फास्ट चला या रोहन फास्ट चला। तो बच्चे इस डाटा को देखेंगे, एक मिनट में 100 मीटर, एक मिनट में 75 मीटर, एक मिनट में 120 मीटर, एक मिनट में 120 मीटर, तो कौन फास्ट चला? बच्चे जट से बता देंगे, सर सबसे तेज चले रोहन और दिया स्कूल आते टाइम, उससे कम तेज चली रिया और उससे कम तेज चला सौरभ, सबसे स्लो चला सौरभ, है ना। देखो कितना आसानी से बच्चों ने बता दिया। लेकिन अगर मैं चारों को इस डाटा से पूछता जो मैंने पहले लिया था, तो चारों के लिए पूछता तो बच्चे नहीं बता पाते। लेकिन इस डाटा से बच्चे आसानी से बता रहे हैं कि कौन तेज चलता है स्कूल आते टाइम। तो इसी चीज़ को जब हम एक मिनट में निकालते हैं कि एक मिनट में कोई कितना चला, या एक सेकंड में कोई कितना चला, या एक आवर में कोई कितना चला, उसे हम कहते हैं स्पीड। ये हमें ये बता देती है कि कोई कितना फास्ट चला। पहले हमें सिर्फ इतना पता चल रहा था कि कौन फास्ट चला, लेकिन जब हमने एक मिनट में निकाल दिया, अब हमें ये भी पता चल रहा है कि कौन कितना फास्ट चल रहा है। तो स्पीड हमें यही बताती है कि कौन कितना फास्ट या कितना स्लो चल रहा है। और हम स्पीड अगर निकालनी हो तो एक मिनट, एक आवर या एक सेकंड, जिसे हम यूनिट टाइम कहते हैं, तो यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितना मूव कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसे हम कहते हैं स्पीड। स्पीड कैन बी डिफाइन एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। और अगर हम ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं स्पीड की डेफिनेशन, द स्पीड कैन बी डिफाइन एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड। तो आप स्पीड की डेफिनेशन लिख सकते हो। अब स्पीड का जो फार्मूला है, फार्मूला जरूरी है जी। स्पीड का फार्मूला कैसे निकला, देखो कैसे निकाल रहे हैं। एक मिनट के लिए 4800 वो टोटल चला, है ना, कितने मिनट में, 40 मिनट में, यानी कि जितना उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक मिनट में अगर निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड का ये फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेक, ये आपका स्पीड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है जी, ये स्पीड का फॉर्मूला। अब हम इस सारे को मिटा देंगे क्योंकि इनका हमारे पास अब कोई काम नहीं रहा। डिस्कशन थी, एक एग्जांपल लेके हम स्पीड की डेफिनेशन पे आए, स्पीड का हमने फार्मूला लिख लिया। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, आपको मालूम है, हम उसका एसआई यूनिट जरूर बताते हैं। तो एसआई यूनिट यानी कि जिस यूनिट में हम उसे इंटरनेशनल सिस्टम में मेजर करते हैं। तो स्पीड का भी जब एसआई यूनिट हमें निकालना है तो एसआई यूनिट स्पीड का कैसे निकलेगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको अगर दे दी जाती है फिजिक्स में, साइंस में, और आपको उसका एसआई यूनिट निकालना है, तो अगर आपको उसका फार्मूला आता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, तो उसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से उसका एसआई यूनिट या कोई दूसरा सीजीएस या एफपीएस यूनिट निकलता है। तो कैसे निकलेगा, जो उस फार्मूले में फिजिकल क्वांटिटीज अपेयर हो रही हैं उनके एसआई यूनिट्स लिख देने हैं। डिस्टेंस का एसआई यूनिट लिख दो, यही एक फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट आपको मालूम है मीटर है, और नीचे अपान में टाइम का एसआई यूनिट लिख देना है, वो है सेकंड। तो स्पीड का एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर ओवर सेकंड। इसको जब हम बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। अब हम, क्योंकि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, तब हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी हम वेक्टर और स्केलर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पीड की अगर हम बात करें
तो अभी मैं जो बोल रहा था पहले कि एक यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितना ट्रैवल करती है उसे हम कहते हैं स्पीड। मैंने ये नहीं बोला कि किस डायरेक्शन में कितना ट्रैवल करती है, सिर्फ इतना बोला कि कितना ट्रैवल करती है, इसका मतलब डायरेक्शन की बात नहीं हुई। तो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब हम टाइप्स ऑफ स्पीड की ओर जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पीड की ओर जब हम बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्पीड कितने तरह की होती है। स्पीड की अगर मैं बात करूं बेटा तो स्पीड आपकी, सबसे पहले हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, उसके बाद हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे, उसके बाद हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे। एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज का मतलब आपको मालूम ही है, कोई एवरेज लेनी है आपने। देखो हम एक केस ले लेंगे रिया का ही, जो हमने फर्स्ट केस लिया। आपको मालूम है जब भी कोई चीज़ मोशन में होती है हम उसे डिस्कस करते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक ऑब्जर्वर होता है, इस बार रिया ही ऑब्जर्वर है। अपने घर को वो ओरिजिन मानती है, वहाँ से उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि मैं यहाँ से शुरू हुई, तो ये ओरिजिन मान लिया उसने, और अपने घर को उसने इनिशियल पोजीशन माना, यहाँ से वो चलना शुरू हुई। तो पोजीशन को हम डिनोट करते हैं एक्स के साथ, इनिशियल पोजीशन को हम डिनोट कर लेंगे एक्स वन के साथ, यानी कि पहली पोजीशन, ठीक है। जब वो स्कूल से चली तो उसने टाइम देखा 9:30 सुबह वाले हो रहे हैं, और ये उसने टाइम T1 कंसीडर कर लिया। अब वो घर से चली, सॉरी जब वो घर से चली तो उसने टाइम देखा 9:30 सुबह वाले हो रहे हैं, इसको उसने टाइम T1 कंसीडर कर लिया। ये वो स्कूल पहुंच गई और उसने देखा स्कूल उसके घर से, जब वो मेज़र कर रही थी तो 3 किलोमीटर दूर आया, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है जी। तो पोजीशन X2 उसने लिख ली 3 किलोमीटर, क्योंकि पोजीशन X1 उसने 0 माननी थी, ओरिजिन पे मानना था 0 किलोमीटर। और टाइम जब उसने T2 देखा तो उसे स्कूल टाइम पे पहुंचना है, तो सुबह के 10 बज रहे हैं। ये उसने अपने ही मोशन को खुद ही ऑब्जर्वर बन के स्टडी कर लिया, ठीक है जी। तो आपने अभी देखा कि स्पीड जो उसका फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, तो वो कैसे निकलेगा टोटल डिस्टेंस, सेकंड पोजीशन माइनस फर्स्ट पोजीशन, और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जब हमें निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, X2 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और टाइम टोटल टाइम कैसे निकलेगा, वो 10 बजे पहुंची वहां पे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना आता है, 3 किलोमीटर माइनस 0 किलोमीटर, सुबह के 10 बजे माइनस 9:30, तो ये आपका आ जाएगा 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 30 मिनट। ऐसा ही निकला था ना हमारा स्पीड, जब हम डिस्कस कर रहे थे इसी तरह से निकाली थी ना कि 1 मिनट में वो कितना ट्रैवल की, 3000 मीटर डिवाइडेड बाय 30 मिनट किया था, तो हमने निकाला था कि 1 मिनट में रिया इतना चली, इसी तरह से निकाली थी ना स्पीड। तो ये आपकी एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जो हमने डिस्कस किया। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम। आपको एक टाइम इंटरवल दे दिया जाता है कि इस टाइम इंटरवल के दौरान, जैसे आपको टाइम इंटरवल दिया 9:30 से 10 बजे, इस टाइम इंटरवल के दौरान उसकी स्पीड कितनी रही, जब हमने निकाली तो कितनी आई, 100 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में वो 100 मीटर चली, ये उसकी स्पीड आई। और अगर हमें इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मिनट को सिर्फ सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्जन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये एवरेज स्पीड ही थी जो हम डिस्कस कर रहे थे। एवरेज स्पीड इज़ दी
स्पीड ऑफ अ बॉडी आर अ मूविंग बॉडी ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये एक्स टू माइनस एक्स वन को हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन पोजीशन होती है जी, उसकी पोजीशन चेंज हुई, इससे वो यहाँ पहुँच गई, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन से वो सेकंड पोजीशन में पहुँच गई, तो इसे हम लिखते हैं चेंज इन पोजीशन। एक्स स्टैंड फॉर पोजीशन डेल्टा, ये एक ग्रीक सिंबल है जिसे हम डेल्टा कहते हैं, तो डेल्टा एक्स इज चेंज इन पोजीशन, ठीक है। और अब चेंज इन टाइम टी टू माइनस टी वन, चेंज इन को पढ़ते हैं हम डेल्टा के साथ लिखते हैं और टाइम को टी के साथ, तो दिस इज योर डेल्टा इज चेंज इन एक्स इज पोजीशन, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये आपका एवरेज स्पीड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। अब हम आपके साथ इंस्टेनियस स्पीड की बात करें, ये आपकी इंस्टेनियस स्पीड है। इंस्टेनियस का मतलब है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बॉडी की स्पीड क्या है। रिया कोई ले लो, वो घर से निकली, यहाँ से थोड़ा धीरे धीरे चली, ठीक है, और यहाँ पहुँची तो उसकी एक फ्रेंड का घर है, उसने रिया ने उसको आवाज़ लगाई, उसका नाम है सोनिया, सोनिया चलो स्कूल चलते हैं, तो यहाँ पे सोनिया हो सकता है थोड़ा टाइम ले अपने घर से निकलने में, तो इस टाइम पे 9:35 पे वो एक मिनट के लिए यहाँ पे रुकती है, यानी कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, वो रेस्ट पे रहती है। तो अगर आप 9:35 पे उसकी स्पीड पूछोगे तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं कर रही, टाइम एक मिनट गुजर गया, जीरो है ना, तो 9:35 पे उसकी स्पीड जीरो है। अब बच्चे रास्ते में धीरे धीरे आते हैं, लेकिन जब स्कूल के पास पहुंचते हैं तो जल्दी से टाइम देखते हैं, जब उन्होंने टाइम देखा यहाँ पे 9:58 हो गए थे, डिस्टेंस काफ़ी दूर था अभी स्कूल, तो यहाँ से वो तेज तेज चलना शुरू हो। तो इस केस में 9:58 से 10 तक उनकी स्पीड ज़्यादा है, स्टार्टिंग में उनकी स्पीड कम है, बीच में उनकी स्पीड जीरो भी हो गई और अंत में उनकी स्पीड एकदम से बढ़ गई, क्योंकि उनको 10 पूरे स्कूल पहुंचना है, ठीक है। जब हम एवरेज स्पीड निकाल रहे थे तो हम पूरा ओवर द इंटरवल ले रहे थे, 9:30 से 10:30 ले रहे थे, हम ये नहीं पता कर रहे थे बीच में वो रुके नहीं रुके, तेज चले स्लो चले, ना, ओवर द इंटरवल बात की। लेकिन इंस्टेंटियस स्पीड में हमें एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड निकालनी है, और जब हम 9:35 पे निकालेंगे तो हो सकता है जीरो स्पीड आ रही, और जब हम 9:58 पे उनकी स्पीड निकालते हैं, हो सकता है 100 मीटर पर मिनट की जगह उनकी स्पीड 200 मीटर पर मिनट हो, तो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है किसी बॉडी की, उसे हम इंस्टेंटियस स्पीड कहते हैं। और इंस्टेंटियस स्पीड निकालते कैसे हैं, ठीक है, अब इसको मैं मिटा सकता हूँ, इंस्टेंटियस स्पीड मुझे निकालनी है ना अगर, तो मैं SIN के साथ इंस्टेंटियस स्पीड को डिनोट करूँगा। तो इंस्टेंटियस स्पीड निकालने के लिए मुझे जो चेंज इन टाइम है ये बहुत संभाल कर देना है, चेंज इन टाइम मस्ट अप्रोच टू जीरो, ठीक है, तो इसलिए हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट ये जो डेल्टा टी है अप्रोचेस टू जीरो, तो चेंज इन टाइम इज़ वेरी 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 स्मॉल, तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है उसको हम लिमिट लगाते हैं, टाइम को जीरो करते हैं, और टाइम अप्रोच करता है जीरो को, जो चेंज इन टाइम है वो काफ़ी स्मॉल हो जाता है, तो उस केस में जो हमारी स्पीड की वैल्यू आती है उसको हम डी एक्स ओवर डी टी के साथ लिखते हैं। डी स्टैंड पर स्मॉल चेंज इन पोजिशन डिवाइडेड बाई स्मॉल चेंज इन टाइम, तो जब आप कैलकुलस में इसको लिखते पढ़ते हो तो कैलकुलस में डी एक्स ओवर डी टी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो दिस इज योर इंस्टेंटियस स्पीड। और ये जो इंस्टेंटियस स्पीड होती है हमारी जो व्हीकल्स में हमारी बाइक्स में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, जब आप एक्सेलरेट करते हो बॉडी को तो वो एकदम से बता देता है कि अब स्पीड इतनी है, डी एक्सेलरेट करते हो रेस कम करते हो उसकी तो वो स्पीड को कम बताता है कि अब 10 किलोमीटर पर आवर चल रहे हो, तो वो उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं, जो आपको वो स्पीड बताता है आपकी व्हीकल में जहाँ डैश जो बाइक है
वो स्पीडोमीटर जो स्पीड मेजर करता है वो एवरेज स्पीड मेजर नहीं करता, वो इंस्टेनियस स्पीड मेजर करता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की अगर हम बात करें तो काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है तो यूनिफॉर्म मोशन क्या था, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। इसी तरह से यूनिफॉर्म स्पीड में कोई बॉडी कब होगी, जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वो कैसे डिफाइन करोगे, अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी, और बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी। तो ये थे आपके यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इंस्टेनियस एंड एवरेज स्पीड स्पीड का कंसेप्ट। तो आज के लिए इतना ही, आशा है आपको आज का लेसन अच्छे से समझ आया होगा, आपने ये दोनों कंसेप्ट स्पीड और टाइप्स ऑफ स्पीड अच्छे से सीख लिए होंगे। अगर आपको आज का लेसन अच्छे से समझ आया तो एक सब्सक्राइब लाइक और कमेंट बनता है, इसलिए मेरे YouTube चैनल रोशन डीआर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे टैप जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए और आप उसे सबसे पहले देख पाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ, नए लेसन के साथ, नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।